बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फातिमा और आज मैं आपके पास बैंक ऑफ पंजाब की सीरीज़ का पहला अकाउंट लेकर आई हूँ, जो कि है तिजारत अकाउंट। अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल बिजनेस है आपका, मतलब सोल प्रोप्राइटर हैं, अगर आप कंपनी अकाउंट है आपका, आपकी कोई कंपनी है और आप उसका अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कुछ भी है, एनजीओ एनपीओस वगैरह, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक ऑफ पंजाब में तिजारत अकाउंट खुलवा सकते हैं। और किस तरह से ये अकाउंट आपके लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ दे रहा है, कैसे आप लोगों के लिए ये जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से उस चीज़ की समझ आए। और उसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट्स में उसका रिप्लाई कर दूंगी, ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बैंक ऑफ पंजाब से ज़्यादातर अकाउंट, आइए चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली करंट अकाउंट होगा ये, और करंट अकाउंट में इसका क्या है कि अगर तो आपका पार्टनरशिप अकाउंट है, ठीक है, किसी भी किस्म का, आपकी लिमिटेड या अनलिमिटेड कंपनी है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, या किसी भी किस्म का गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट एंटिटी है, कोई भी लीगल एंटिटी है, ठीक है, आप अपना अकाउंट जो है वो बीओपी तिजारत अकाउंट में ओपन करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी और क्या क्या वैल्यू एडेड फीचर्स मिलेंगे और उसके अगेंस्ट कंडीशन क्या है, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आपको इसके अगेंस्ट सब फ्री फैसिलिटीज़ लेने के लिए क्या जो है वो मतलब कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, वो मंथली एवरेज बैलेंस है, ठीक है, जो कि है 25,000, वो आपको हर महीने अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप वो अपने अकाउंट में मेंटेन करेंगे तो आप ये सारी सर्विसेज फ्री ले सकते हैं। अब क्या फ्री ले सकते हैं, एटीएम के थ्रू आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, बैंक ऑफ पंजाब के ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या बैंक ऑफ पंजाब से किसी और बैंक में फ्री फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग आपकी फ्री होगी, ठीक है, जो इंटरनेट बैंकिंग है वो आपकी फ्री होगी। एटीएम या ओवर द काउंटर से जो भी आप कैश विड्रॉ करेंगे, वो डेली 25,000 तक की जो कैश है उसकी आपकी क्या होगी, इंश्योरेंस होगी, ठीक है। उसके अगेंस्ट क्या है कि आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि जो भी आपके बिजनेस एसेट्स हैं, क्योंकि बिजनेस अकाउंट है तो आपके बिजनेस के कोई एसेट्स भी होंगे, अगर आप के बिजनेस के एसेट्स हैं, आपको उस पर इंश्योरेंस भी मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है, 1 मिलियन तक मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड है वो फ्री आपको इशू होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप रीन्यू कराना चाह रहे हैं, एक नया डेबिट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको फ्री मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपका मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, चेकबुक्स हैं, जितनी भी आपने इशू करानी है आप कराइए, अनलिमिटेड होंगी और फ्री होंगी। अच्छा, अगर आपको स्मॉल या मीडियम लॉकर चाहिए, ठीक है, तो वो आपको फ्री मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में 1 मिलियन तक बैलेंस अगर मेंटेन रखते हैं, तो बैंक ऑफ पंजाब आपको स्मॉल और मीडियम जो लॉकर का साइज़ है वो आपको फ्री देगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि महाना आपके अकाउंट में 10 लाख तक जो है वो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, उस लेकिन वो कह रहे हैं कि जो की डिपॉज़िट है वो लिया जाएगा, ठीक है, बेशक आपका एनुअल जो है वो उससे ज़्यादा भी हो, की डिपॉज़िट लिया जाएगा, वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन लॉकर की जो फैसिलिटी है वो आपके लिए फ्री होगी, ठीक है। अच्छा, जो आपके यूनिवर्सल चेक्स हैं, यूनिवर्सल चेक्स कौन से होते हैं, जो पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उस पर आपको जो है वो फ्री इशू किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो CDRs हैं, टेंडर के अगेंस्ट जो आप कैश डिमांड रिसीट जो है या कॉल डिपॉजिट रिसीट इशू करवाते हैं, वो आपको इशू होगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। अगर कोई OBC है, किसी रिमोट ब्रांच में आपने किसी रिमोट एरिया में अपना जो है वो चेक भिजवाना है, तो वो एक OBC का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू होता है, उसको भी आपको फ्री दी जाएंगी, कितनी, 3, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको दी जाएगी, ठीक है, और ताकि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो किसी भी टाइम देख सकें। SMS अलर्ट्स की फैसिलिटी है जो कि आपको दी जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके चार्जेस होंगे एज पर स्केड्यूल ऑफ चार्जेस। और इसके अलावा जो भी आपका यूटिलिटी बिल डिपॉजिट फैसिलिटी है थ्रू ATM नेटवर्क या फोन बैंकिंग सेल्फ सर्विसेज, वो सब जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। और इन सबको
फीचर्स को मीट करने के लिए क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको 25,000 का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, और अगर आपने लॉकर फ्री लेना है तो आपको 1 मिलियन का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अगर चेकबुक आपने लेनी है तो फ्री इंश्योरेंस करानी है तो भी आपका एवरेज बैलेंस, अगर आपका एवरेज बैलेंस इन सब के अगेंस्ट मेंटेन होगा तभी आप जो हैं फैसिलिटेट हो सकते हैं, अदरवाइज जो है आपको उसके लिए पे करना होगा, ठीक है। तो ये था बैंक ऑफ पंजाब का तिजारत अकाउंट, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत सी चीज़ें इसमें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कोई चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आती और आपको लगता है कि ये चीज़ से मैं फ़ायदा ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा से उस चीज़ के बारे में गाइड कर दूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।